हेलो बच्चों चलिए देखते हैं क्लास एट्थ एक्सरसाइज 5.1 न्यू एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर वन क्या है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यहां पे हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं हमसे पूछा है कि अगर हम इन नंबर्स का स्क्वेयर करते हैं और जो आपके पास नया नंबर निकल के आएगा तो उस नए नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी अब भाई छोटा नंबर हो तो आप इजिली बता सकते हैं जैसे एट का अगर आपको स्क्वेयर करना पड़ जाए तो एट का स्क्वेयर क्या हो गया सिक्स हो गया अब यहां पे यूनिट डिजिट क्या होगी होगी आप आप बता देंगे बट बत बड़ा नंबर है उसका अगर आप करने लग जाएंगे तो आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा तो हमें सिंपल सी ट्रिक का यूज करना है क्या है वो ट्रिक कि जिससे हम यहां पे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो क्या है हमें 81 दे रखा है बच्चों इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पे जो लास्ट डिजिट है जो यूनिट डिजिट है ना गिवन नंबर की उसका स्क्वायर कर लो यहां पे देखेंगे यूनिट डिजिट एक को अच्छे से समझा देता हूं मैं यूनिट डिजिट ऑफ 81 वन इज वन एंड स्क्वायर ऑफ वन स्क्वायर ऑफ वन इज ऑल्सो वन अगर यूनिट like डिजिट का हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आएगा वन ही आएगा तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा नंबर जो आएगा इसका स्क्र करने के बाद उसकी यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट जो आएगी वो भी क्या आएगी वन ही आएगी सिंपल ट्रिक थी लास्ट नंबर का स्क्वेयर करते जाएंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है सेकेंड पार्ट के अंदर देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज टू सेवनटी टू दे रखा है टू सेवन टू का स्क्वेयर करना है अब यहां पे देखो लास्ट नंबर क्या है हमारा यूनिट नंबर

फोर्थ पार्ट के अंदर क्या दे रखा है हमारा थ्री एट फाइव थ्री कितना भी बड़ा नंबर हो हमें बस यूनिट डिजिट को चेक करना है थ्री है थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन तो लास्ट डिजिट हमारी क्या आएगी यहां पे नाइन आ जाएगी फिर फिफ्थ पार्ट के अंदर देखते हैं वन टू थ्री फोर बड़ा अच्छा नंबर दे रखा है सीरीज में यहां पे हमें लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे फोर का स्क्वायर क्या होता है सिक्सटीन और इसमें लास्ट डिजिट क्या है सिक्स तो यहां पर हमारा स्क्वेयर की लास्ट डिजिट क्या, तो क्या आएगी सिक्स आएगी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका सिक्स पार्ट क्या दे रखा है टू सिक्स थ्री एट सेवन इसका अगर मैं स्क्वेयर करता हूं तो लास्ट नंबर देखो सेवन है सेवन का स्क्वेयर क्या होता है फोर्टी नाइन और इसकी लास्ट डिजिट क्या है नाइन तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास इसके स्क्वेयर की यूनिट डिजिट नाइन होगी फिर सेवंथ पार्ट देखते हैं सेवंथ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है फाइव टू सिक्स नाइन एट इसका स्क्वेयर अब लास्ट डिजिट है हमारी एट एट का स्क्वायर क्या होता है सिक्सटी फोर इसकी लास्ट डिजिट क्या आ गई फोर तो इसके पूरे नंबर के स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या आएगी हमारी फोर आ जाएगी एट्थ पार्ट देखते हैं इसका क्या है हमें दे रखा है डबल नाइन डबल एट जीरो अब जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही होगा तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी जीरो आएगी इस नंबर के स्क्वायर की नाइन्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है वन टू सेवन Nine, six. Six का स्क्वायर बच्चों थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स की गई लास्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है five five दे तो ये five five लिखेंगे, इसका स्क्वेयर इक्वल टू यहां पे देखो लास्ट डिजिट क्या है फाइव फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव होता है और ट्वेंटी फाइव में लास्ट डिजिट क्या है फाइव तो हमारी इस नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या आएगी फाइव आएगी अब आपको कोई भी नंबर दे रखा हो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है द फॉलोइंग आर ओवियसली नॉट परफेक्ट गिव यहां पे हमें कुछ दे रखे हैं और कहा है कि ये जो नंबर दे रखे हैं हमारे ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है हमें रीजन के साथ इसको बताना है अब सबसे पहले तो आपको परफेक्ट स्क्वेयर का मीनिंग पता होना चाहिए जैसे बच्चों मैं वन का स्क्वेयर करता हूं तो वन का स्क्वेयर क्या आएगा वन टू का स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा फोर थ्री का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा नाइन फोर का स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा सिक्सटीन ऐसे नंबर आएंगे तो ये जो है ना वन फोर नाइन सिक्सटीन ये सब कुछ क्या है सारे के सारे क्या है परफेक्ट स्क्वेयर है तो हमें यह बताना है कि ये नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं तो क्यों नहीं है हमें एक प्रॉपर्टी पता है यहां पे क्या प्रॉपर्टी है फोर perfect square perfect square unit digit of unit digit of number must be must be pair of zero pair of zero or 1 4 5 सिक्स नाइन यहां पर क्या कहा है? मैंने ध्यान से देखो बच्चो ये प्रॉपर्टी यूज होगी अगर कोई नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वेयर है उसकी यूनिट डिजिट में या तो क्या होगा पेयर ऑफ जीरोज होंगी या फिर उसकी यूनिट डिजिट में वन मिलेगा फोर मिलेगा फाइव मिलेगा सिक्स मिलेगा नाइन मिलेगा अगर इनके सिवाय कोई और नंबर मिलता है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहेंगे बस ये चीज आपको लिखनी है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या दे रखा है हमें वन जीरो फाइव सेवन अब इसके अंदर देखो यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट एज सेवन सो इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर परफेक्ट स्क्वेयर देखो बच्चों ध्यान से हमें नंबर दे रखा था वन जीरो फाइव सेवन इसकी यूनिट डिजिट क्या है सेवन अब परफेक्ट स्क्वेयर के लिए कंडीशन क्या है या तो लास्ट में पेयर ऑफ जीरोज हो या फिर क्या हो यूनिट डिजिट वन फोर फाइव सिक्स नाइन होने चाहिए बट यहां पे सेवन है सेवन तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो ये नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा रीजन मेंशन कर दिया ऊपर वाली लाइन लिखनी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्टार वाली लाइन सेकेंड पार्ट के अंदर देखो क्या है हमें नंबर दे रखा है टू थ्री फोर फाइव थ्री अब यहां पर यूनिट डिजिट क्या है थ्री तो इसको भी लिख देंगे यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट इज थ्री सो इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर अब रीजन आपको पता लग गया कैसे लिखना है थर्ड पार्ट पे मोहन करते हैं थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है सेवन नाइन टू एट अब यहां पे यूनिट डिजिट एट है एट यहां पे इंक्लूडेड नहीं है तो रीजन आप लिख देंगे कि यूनिट डिजिट इज एट सो इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप आसानी से लिख सकते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है ये हमें सिक्स टाइम्स टू दे रखा है यहां पे यूनिट डिजिट टू है तो टू भी यहां पे इंक्लूडेड नहीं है किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे ना तो लास्ट में कभी भी टू नहीं मिलेगा आपको तो ये भी क्या हो जाएगा यहां पे नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या दे रखा है हमें सिक्स फोर ट्रिपल जीरो अब आप सोचोगे सर जीरो आ गया तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया बट मैंने यहां पर एक लाइन लिखी थी पेयर ऑफ जीरो लास्ट में जितनी भी जीरोज होंगी वो पेयर की फॉर्म में होनी चाहिए अब यहां पे देखो पेयर बनाते हैं हम लेफ्ट साइड से ये पेयर बन गया यहां पे तो अकेली जीरो रह गई तो यहां पे क्या लिखेंगे यूनिट डिजिट इज यूनिट डिजिट इज जीरो बट नॉट इन पेयर बट नॉट इन पेयर सो इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके अंदर जितने भी पार्ट है ना भाई सारे के सारे कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिए नेक्स्ट नंबर देख लो यहां पे यूनिट डिजिट क्या है हमारी टू है तो लास्ट में टू आता है तो वो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है यहां पे आ जाओ इस वाले पार्ट में इसमें देखो पेयर ऑफ जीरो बन गई ये अकेली रह गई तो यही रीजन मेंशन कर देंगे कि यूनिट डिजिट इज जीरो बट नॉट इन पेयर कि जीरो का जीरो तो है लास्ट में बट वो पेयर में नहीं है तो इसलिए ये भी क्या होगा एक नोट परफेक्ट स्क्वायर होगा लास्ट वाले पार्ट में आ जाओ यहां पे भी अकेली जीरो है पेयर में नहीं है अगर यहां एक और जीरो होती तो ये हमारा क्या हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर हो जाता ठीक है लास्ट पार्ट में भी कैसे लिखेंगे हम लास्ट पार्ट भी लिख के दिखा देता हूं मैं फाइव जीरो फाइव जीरो फाइव जीरो ऐसे दे रखा है यूनिट डिजिट क्या है जीरो यूनिट डिजिट इज जीरो बट नॉट इन पेयर सो इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वेर ये लाइन एज इट इज आ जाएगी समझ में आ गया सेकेंड क्वेश्चन भी क्वेश्चन हमें कुछ नंबर दे रखे हैं हमें पूछा है कि अगर हम इन नंबर का स्क्वेयर करते हैं तो हमारे पास जो नया नंबर आएगा वो ओड नंबर होगा वो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर का हम स्क्वेर करें और यहां पर हमें ओड नंबर मिल जाए तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है देखो ध्यान से कोई भी नंबर दे रखा उसकी यूनिट डिजिट उठा लो यहां पे वन दे रखा है यहां 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 पे दे है, पे पे फोर दे दे रखा रखा है है अगर मैं किसी भी नंबर का का स्क्वायर स्क्वायर करता हूं वन का करेंगे तो वन आएगा मान लो थ्री है ओड नंबर थ्री का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों नाइन आएगा फाइव का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ट्वेंटी फाइव आएगा तो हमेशा अगर ओड नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो ओड नंबर ही हमें प्राप्त होता है मिलता है अगर मैं इवन नंबर का स्क्वायर करूं टू का स्क्वायर करूंगा तो फोर आएगा मान लो फोर का स्क्वायर करूंगा तो सिक्सटीन आएगा सिक्स का स्क्वायर करूंगा तो थर्टी सिक्स आएगा तो कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा इवन नंबर ही आएगा तो बस यही रीजन हमें यूज करना है फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है फोर थर्टी वन यहां पर देख लो लास्ट डिजिट क्या है यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट Of four thirty one is one and square of odd number, odd number is always odd. यही बात लिखनी हमें कि अगर हम कभी भी ओड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें एक ओड नंबर ही प्राप्त होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा 431 का स्क्वायर क्या होगा स्क्वायर ऑफ 431 थर्टी वन इज ऑल्सो ओड नंबर ओड नंबर ठीक है दूसरा तरीका बताता हूं मैं यहां पे कैसे लिखते हैं एक तो ये तरीका था यूनिट डिजिट से दूसरा नंबर देख लो क्या है टू एट टू सिक्स अब आपको पता है किसी भी नंबर को ओड और इवन कैसे पता चलता है हमारा यूनिट डिजिट से ही पता चलता है बच्चों अब यहां पे सिक्स क्या है इवन नंबर है तो ये पूरा नंबर इवन होगा तो यहां पे क्या लिख देंगे हे यार टू थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स इज इवन नंबर इवन नंबर सो स्क्वेयर ऑफ स्क्वेर ऑफ एट ऑलसो इवन नंबर इवन नंबर या तो बच्चों यूनिट डिजिट से लिख दो या फिर पूरे नंबर से ही लिख दो कि पूरा नंबर इवन है तो इसका स्क्वेयर ऑलवेज क्या होगा इवन नंबर होगा अब पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया थर्ड नंबर देखो क्या है सेवन 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 नाइन इसके अंदर लास्ट डिजिट क्या है ओड नंबर है नाइन इज ओड सो square ऑफ square ऑफ seven 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 nine इज also ओड नंबर also ओड नंबर तो इसका square भी क्या होगा हमेशा ओड नंबर ही निकल के आएगा फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है एट्टी टू थाउजेंड फोर अब यहां पर लास्ट डिजिट क्या है फोर तो यहां पर क्या फोर इज इवन सो स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर ऑफ एटी टू थाउजेंड फोर इज ऑल्सो ईवन नंबर ऑल्सो ईवन नंबर बस ये चीज आपको करनी है पता लग गया कंसेप्ट समझ में आ गया ओड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ओड ही होता है और इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज इवन नंबर ही होता है क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर क्या दे रखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट हमें यहां पे एक पैटर्न को फॉलो करना है देखना है आइडेंटिफाई करना है और हमें बताना है कि यहां पे मिसिंग डिजिट्स क्या क्या आएंगी सबसे पहले देखो फर्स्ट पैटर्न पे ध्यान दो 11 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया 121। ट्वेंटी सेकेंड में देखो 101 का स्क्वायर किया तो हमारे पास यहां पर देखो एक जीरो आ गई बीच में तो हमारे इन नंबर के बीच में भी एक जीरो आ गई वन फिर देखो वन का स्क्वेयर किया तो यहां पे देखो टू जीरोज आ गई ना नंबर के बीच में तो यहां पे भी हमारी टू जीरोज आ गई बीच में वन डबल जीरो टू डबल जीरो वन समझ में आई बात कुछ अब यहां पे देखो कितनी जीरोज हैं फोर जीरोज हैं तो यहां पे कितनी जीरोज आ जा जा जाएंगी हमारी फोर जीरोज आ जाएंगी टू थ्री फोर और यहां पर भी वन टू थ्री फोर ये बन गया नंबर अब आगे आ जाओ यहां पर देखो कितनी जीरोज हैं टू फोर सिक्स जीरोज हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है पहला पहली डिजिट क्या आएगी वन आएगी फिर कितनी जीरो सिक्स जीरो टू थ्री फोर फाइव सिक्स फिर क्या आएगा हमारा टू आएगा फिर सिक्स जीरो जाएंगी थ्री फोर फाइव सिक्स और फिर आएगा वन तो इस तरीके से हमें इन फिलिंग द ब्लैंक्स को या मिसिंग डिजिट्स को फिल कर देना है समझ में आ गई बात बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर क्या दे रखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स हमारे पास यहां पे एक पैटर्न दे रखा है जिसको आपको ऑब्जर्व करना है देखना है समझना है उसके बाद आपको यहां पे मिसिंग नंबर्स को अप करना है देखते हैं यहां पे क्या है सबसे पहले देखो 11 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया 121 फिर हमने 101 का स्क्वायर किया तो यहां पे क्या आ गया वन फिर क्या किया हमने वन का स्क्वेयर किया तो हमारे पास क्या आ गया टेन ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी और फिर वन तो भाई कैसे पैटर्न समझ में आए बिल्कुल आसान है ध्यान से देखो यहां पे कितनी है हमारे दो वन है तो हमारा क्या आ गया टेन और ट्वेंटी थर्टी आ गया यहां पे कितने वन है? फोर वन है तो क्या आएगा टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी उसके बाद उल्टा कर दो थर्टी ट्वेंटी और वन बस हो गया पूरा कंप्लीट अब यहां आ जाओ बच्चों देखो क्या है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी मैक्सिमम फिफ्टी तक गया हुआ है इसका मतलब यहां पे कितने वन आएंगे फाइव वन आएंगे बस बना दो वन जीरो फोर फाइव तो इसका नंबर क्या बनेगा ये बनेगा समझ में आई या नहीं आई बात देखो ध्यान से दोबारा बच्चों यहां पे देखो कितने वन थे टू वन थे तो हमारी नंबरिंग कहां तक गई टेन ट्वेंटी तक फिर वन आ गया यहां पे क्या है वन जीरो नंबर आए हमारे थ्री वन आए हैं तो टेन ट्वेंटी थर्टी तक फिर ट्वेंटी फिर वन यहां पे फोर टाइम जीरो फोर्टी फोर तक जाएगी और फिर थर्टी ट्वेंटी वन यहाँ पे लास्ट यहां पर मैक्सिमम फिफ्टी है फाइव वन आएंगे तो फाइव वन बना दिए हमने एक एक जीरो लेके ये पैटर्न हो गया हमारा था ना इजी नेक्स्ट देखते हैं हमारा सिक्स क्या दे रखा है यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर हमें इस पैटर्न को देखना है चेक करना है और हमें यहां पे मिसिंग नंबर्स को फिलअप करना है सबसे पहले पहले नंबर को देखो वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर फिर देखा है स्क्वायर 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 प्लस प्लस इक्वल टू ऐसे नंबर आया हुआ है तो बच्चों सबसे पहले ध्यान से देखो यहां पर टू है यहां पर थ्री ये सिक्स ये सेवन ये ट्वेल्व ये थर्टीन आगे आ रहा है ना एक इंक्रीज होके टू के बाद थ्री आ गया सिक्स के बाद सेवन आ गया ट्वेल्व के बाद थर्टीन आ गया तो यहां पे 21 है तो इससे पहले क्या आएगा यहां पे 20 आएगा आएगा या नहीं आएगा अब बात आ गई यहां पे इस नंबर को कैसे फिल करें तो हमें और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा यहां पे बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है देखो यहां पे पहला नंबर क्या है हमारे पास वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वेयर प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री स्क्वेयर यहां पर नंबर क्या है हमारा वन यहां पर क्या है टू और टू की मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर आ गया मेरा वन मल्टीप्लाई टू इक्वल टू टू आ गया दूसरी सीरीज उठाओ टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर। यहां से हमने क्या उठाना है टू यहां से हमें क्या करना है थ्री इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया सिक्स आ गया आगे वाले पे चलो थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर यहां से हमें क्या लेना है थ्री मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम फोर से तो थ्री और फोर की मल्टीप्लाई क्या आ गई ट्वेल्व आ गई तो एक आपको पैटर्न ढूंढना है आपको कोई और पैटर्न भी आप ढूंढ सकते हो ऐसा नहीं है जो मैंने बताया वही पैटर्न होगा कोई और लॉजिक भी मिल सकता है आपको तो यहां पे देखो बच्चों इस सीरीज के अंदर क्या दे रखा है हमें फाइव स्क्वायर प्लस में ये मिसिंग नंबर है इसका स्क्वायर प्लस में थर्टी का स्क्वायर यहां से हमारा क्या आ गया फाइव यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को यहां पे कोई भी नंबर होगा मान लो हमारा क्या है वाई है इज इक्वल टू क्या आना चाहिए थर्टी तो यहां से वाई इज इक्वल टू क्या डिवाइड 5. 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 6, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा सिक्स आएगा बात आ गई या नहीं आ गई समझ में ऐसे ही आगे आ जाओ ये क्या दे रखा है सिक्स स्क्वेयर प्लस सेवन स्क्वेयर प्लस में मिसिंग नंबर इसका स्क्वेयर तो यहां से हमारा क्या आएगा सिक्स मल्टीप्लाई यहां से क्या आएगा सेवन तो six, जा क्या होता है फोर्टी टू तो यहां पे क्या आएगा बच्चों मेरा 42 आएगा और इससे आगे क्या आएगा इससे एक इंक्रीज करके फोर्टी थ्री आएगा हो गया पैटर्न कंप्लीट ठीक है बच्चों समझ में आया इस तरीके से आपको पैटर्न ढूंढना है कोई और पैटर्न भी दे सकता है ये नहीं है कि ऐसा ही आए बट आपको माइंड लगा के यहां पर देखना है क्या रिलेशन है हमारा ठीक है इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दे रखा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम हमें यहां पे कुछ सीरीज दे रखी हैं जिनको बिना ऐड किए आपको सम फाइंड आउट करना है बड़ा सिंपल तरीका है सबसे पहले देखो सारे के सारे नंबर्स दे रखे हैं हमें तो ओर्ड नंबर्स का सम निकालने का एक तरीका होता है देखो क्या है फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन यहां पर नंबर काउंट कर लो कितने नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव टोटल फाइव नंबर्स का सम है तो यहां पर क्या लिखेंगे टोटल नंबर्स टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं यहां पे फाइव हैं तो सम ऑफ नंबर क्या होगा सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू होता है एन स्क्वेयर एन का मतलब क्या होता है नंबर जो ये हमारे फाइव आए हैं ना ये किसके इक्वल होगा एन के तो यहां पे एन की वैल्यू पुट कर देंगे बस सम इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव का स्क्वेयर तो फाइव का स्क्वेयर क्या होगा ट्वेंटी फाइव तो इन सभी डिजिट्स का सम जो आएगा वो ट्वेंटी फाइव आएगा अब इसको करके देख लो बेशक से बट आपको सिंप्लीफाई ऐसे करके आना एग्जाम में सेकेंड पार्ट देखते हैं ये स्पेशली नंबर्स पे अप्लाई होगा फॉर्मूला कहीं इवन नंबर की सीरीज दे रखी और आप कर दो ऐसे ही ठीक है सारे के सारे ओर्ड नंबर होने जरूरी हैं अब आगे देखो इसमें क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टोटल हमारे नंबर्स क्या हैं टेन हैं तो लिखेंगे क्या टोटल नंबर टोटल नंबर्स एन से रिप्रेजेंट करेंगे एन इक्वल टू कितने बच्चों टेन तो यहां पे सम ऑफ नंबर्स क्या होगा सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू एन का स्क्वायर फॉर्मूला लिखेंगे नेक्स्ट सम इक्वल टू एन की वैल्यू टेन टेन का स्क्वायर टेन का स्क्वायर क्या होता है बच्चों टेन इन टू टेन हंड्रेड होगा तो इन सभी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका हंड्रेड आएगा थर्ड पार्ट देख लेते हैं थर्ड पार्ट के अंदर हमें कितने दे रखे हैं यहां पे ट्वेल्व नंबर्स दे रखे हैं यहां तक तो टेन है इलेवन और ट्वेल्व तो यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर्स टोटल नंबर्स एन इक्वल टू ट्वेल्व और सम इज इक्वल टू क्या होगा एन का स्क्वायर तो फाइनली क्या आ गया ट्वेल्व का स्क्वायर अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है तो ये आ जाएगा इन सभी नंबर्स का सम बिल्कुल इजी था ध्यान रहेगा फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर एट के अंदर क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सेवन ओड नंबर क्या कहा है कि आपको सेवन ओड नंबर यूज करने हैं और उन सभी का सम क्या आना चाहिए फोर्टी नाइन आना चाहिए तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है सम जो है हमारा क्या होना चाहिए फोर्टी नाइन नंबर एन इज इक्वल टू क्या होने चाहिए तो एन इज इक्वल टू सेवन का मतलब यूज फिर 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 और फिर थर्टीन टोटल नंबर देख लो कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इन सभी का सम देखेंगे तो आपका क्या आएगा फोर्टी नाइन आएगा ऐसे करना है सेकेंड पार्ट के अंदर क्या गाया उसने एक्सप्रेस वन ट्वेंटी वन एज द सम ऑफ इलेवन ओड नंबर वन ट्वेंटी वन सम होना चाहिए और ओड नंबर इलेवन यूज होने चाहिए तो यहां पर क्या लिखेंगे सम हमारा क्या आना चाहिए वन ट्वेंटी वन और एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए इलेवन तो इलेवन नंबर्स का सम लिखना है हमें वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस थर्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस सेवनटीन प्लस नाइनटीन और प्लस ट्वेंटी वन टोटल ये नंबर्स कितने हो गए इलेवन और इनका सम देखोगे तो आपका क्या आएगा वन ट्वेंटी वन आएगा बस इस तरीके से करना है आ गया क्वेश्चन नंबर एट भी क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं क्या है हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वेयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यहां पर क्या कहा है हाउ मैनी नंबर बिटवीन स्क्वे ऑफ द फॉलोइंग नंबर कि अगर आप इन दोनों नंबर्स का स्क्वेयर करते हैं तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे अब एग्जाम्पल देखो मान लो आपको थ्री एंड फोर कह दिया होता थ्री का स्क्वायर करते नाइन फोर का स्क्वायर करते सिक्सटीन तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे ये आपको बताना है तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है फर्स्ट पार्ट को देखो यहां पे नंबर क्या दे रखे हैं ट्वेल्व एंड थर्टीन यहां पे जो ट्वेल्व है उसको हम यहां पे क्या मान लेते हैं एन मान लेते हैं ये इससे एक बड़ा है तो ये क्या होगा एन प्लस वन होगा तो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम हेयर hey यार लेट एन इक्वल टू ट्वेल्व तो यहां पे नंबर बिटवीन स्क्वेयर्स नंबर बिटवीन स्क्वेयर उसका फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है टू एन क्या होता है टू एन तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास टू मल्टीप्लाई एन की वैल्यू को क्या माना है हमने ट्वेल्व तो ट्वेल्व टूजा क्या आ गया ट्वेंटी फोर नंबर तो अब 12 और 13 का अगर स्क्वायर करेंगे ना हम तो इनके बीच में 24 नंबर आएंगे करके भी देख लो 12 का स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा 169 अब 144 और 169 के बीच में देख लो 24 नंबर से आएंगे आपके बस ये काम करना था सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं सेकेंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स तो यहां पे n क्या हो जाएगा लेट n इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव जो फर्स्ट नंबर होगा उसी को n मानेंगे हम क्योंकि ये तो n प्लस वन है तो यहां पे क्या हो जाएगा नंबर बिटवीन नंबर बिटवीन स्क्वेयर क्या होगा ध्यान से देखो यहां पे भी स्क्वेयर तो n की वैल्यू 25 है तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ एन मतलब टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फिफ्टी नंबर फिफ्टी नंबर्स तो टोटल फिफ्टी नंबर्स यहां पे क्या होंगे इनके बीच में लाई करेंगे लास्ट पार्ट देख लेते हैं थर्ड पार्ट क्या है थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है नाइनटी नाइन एंड हंड्रेड 99 नाइन का स्क्वायर करो और हंड्रेड का स्क्वायर करो तो बीच में कितने नंबर आएंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे हेयर n इज इक्वल टू क्या है 99 सो नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर बिटवीन स्क्वेयर वो कितने होंगे टू एन तो यहां पे क्या करेंगे टू मल्टीप्लाई 99 नाइन नाइनटी नाइन टू गया एट तो टोटल वन नाइनटी एट नंबर जो होंगे वो बीच में लाई करेंगे इन दोनों स्क्वेयर के बीच में क्लियर चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी क्लास ट्वेल्थ तक का मैथ मैं आपको कराऊंगा अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना थैंक यू स्टूडेंट्स